अपनी माताओं बहनों और बेटियों को प्रणाम करते हुए एक गीत भेंट कर रहा हूं, क्योंकि अभी तक ये कोई बनावटी बात नहीं कह रहा हूं, सत्य कह रहा हूं। अभी तक जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं, दो या ढाई बजे के बाद केवल सामने कुर्सियां खाली पड़ी रह जाती हैं, सुनने वाले 10-20 लोग रह जाते हैं। मैं एक गीत अपनी बेटियों के लिए भेंट कर रहा हूं, अपनी बहनों के लिए भेंट कर रहा हूं, अपनी बहुओं के लिए भेंट कर रहा हूं, अपनी माताओं के लिए भेंट कर रहा हूं। सुनिएगा। दादाजी कि तुम रूठा ना करो, संजय भैया ये गीत अभी तक आपके चैनल में नहीं है, नहीं यूट्यूब में ही नहीं है, जहां यूट्यूब का कैमरा लगता था मैं इस गीत को बचा लेता था, लेकिन आज पता नहीं बाबा की अनुमति हुई इस कैमरा के डर से इन बेटियों का अधिकार ना छोड़ो लालचंद जी, क्या बात, तो मैं इन बेटियों को प्रणाम करते गीत भेंट कर रहा हूँ। तुम रूठा ना करो, मेरी जमीर जान निकल जाती है, तुम हंसती रहती हो, तुम हंसती रहती हो, दिल पे बिजली सी चमक जाती है, क्योंकि 100 साल पहले, क्या बात है, 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, क्या बात है। देखिए फिल्म की बात बहुत अच्छी लगती है हमको, भले ही हम जानते हैं कि झूठ है, 100 साल पहले वो खुद नहीं होंगे कहने वाले, झूठ सही लेकिन अच्छी है, अच्छी और अच्छी इसलिए है कि अगर हर पति अपने घर में यही कहने लगे तो हमारा हिंदुस्तान स्वर्ग बन जाएगा। जय जय। सौ साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, जिया बेकरार था, और आज भी है और कल भी रहेगा, आज भी है और कल भी रहेगा, आज भी है और कल भी रहेगा। एक बार अभिनंदन करता हूं यहां बैठे सभी युवा वर्ग को, मैं देख रहा हूं अगर ऐसे सुनने वाले लोग हों तो कितना भी घटिया कलाकार हो बढ़िया कार्यक्रम दे जाएगा, क्या बात है। क्यों इनका आप लोगों का प्रोत्साहन ही कलाकार को ऊंचे उठाता है, क्या बात है। और देख रहा हूं कि आप हर बात पर जहां जरा सी भी अच्छी बात लगती है आप लोग उत्साह बढ़ाते हैं, क्या बात है, सत्य बात है। आइए विषय को लेकर चलता हूं। कि मात पिता का पवित्र प्यार है बेटी, निवेदन करता हूं इस गीत को सुनना है, इस गीत को आपको सुनना है, तालियां बजाना या ना बजाना, केवल कानों को अपने खुले रखना मेरे मंच की ओर, और इधर उधर बात ना करना। बेटियों से मैं खासतौर से निवेदन करता हूं कि मात पिता का पवित्र प्यार है बेटी, सच मानिए हर घर का श्रृंगार है बेटी, सच मानिए हर घर का श्रृंगार है बेटी, सच
मेरा सौभाग्य है। इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता। मैंने सुना है क्या, यहाँ आने वाले लोगों को 3-3 घंटा दर्शन का इंतजार करना पड़ता है। मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ कि जब से मंच में खड़ा हूँ दीदार ही कर रहा हूँ। क्या बात है। बढ़ते हुए परिवार का आधार है बेटी, बढ़ते हुए परिवार का आधार है बेटी, सच मानिए बसंत की बहार है बेटी। सच मानिए जिसने एक जिस घर में एक कन्या ने जन्म लिया और माता पिता ने उसके पैर पूजे, पापों के काटने को सारे पापों से मुक्त हो जाता है। हमारे श्रद्धे दादा जवाहरलाल जिद्दी जी गाया करते थे कि मैंने जिसने बेटी तुझको डोली में बिठा दिया, गदगद होता था इधर, पापों की काटने को तो तलवार है, भौ सिंधु उतारने में मददगार है। ये साक्षात लक्ष्मी का अवतार है बेटी, लेकिन आश्चर्य है फिर भी लोगों के लिए फिर क्यों बनी भार है बेटी, लोगों के लिए फिर भी बनी भार है बेटी, लोगों के लिए फिर भी बनी भार है बेटी, लोगों के लिए फिर क्यों बनी भार है बेटी। लड़के का अगर जन्म होता है लाखों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं, बहा दिया जाता है, रुपया खर्च नहीं बहा दिया जाता है, आग लगा दी जाती है रुपयों में, दसियों हजार के फटाके चला दिए जाते हैं, लेकिन जिस दिन बेटी का जन्म होता है पड़ोस को पड़ोसी को पता नहीं चलता कि इन घर में बेटिया जन्मी। क्यों क्यों लोगों के लिए फिर क्यों बनी भार है बेटी। एक निवेदन कर, बहुत से भैया लोगों से किसी को बुरा लगे तो मैं पहले क्षमा कर चाहता हूँ। बहुत से भैया लोग कहते हैं कि नारी को कभी सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए ना, कुछ ज्यादा समझदार लोग तो ये कहते हैं नारी नारी तो पैरों की जूती है, उसे पैर से दबा के रखना चाहिए। ऐसे महान उदार हृदय वाले भैया लोगों से आज मैं एक निवेदन कर रहा हूं कि तुम क्या हो जरा सुनो। क्या बात है। कि नारी से ही चलता नारी से ही चलता हर नर का परिवार है। बहादुर है तो नारी को दूर कर दे फिर परिवार चला के बता दे, परिवार बढ़ा के बता दे, फिर ऐसे ही बढ़ेगा कि मर्द के नाम के आगे श्रीमती जोड़ना पड़ता है। नारी से ही चलता हर नर का परिवार है, सृष्टि आधार है जो आज भी है। महाराज जी गीत कहता है आज भी है कल भी रहेगा,
बहुत से कीर्तनकारों ने टूट पड़े सबने गाया कि आज भी है कल भी रहेगा। किसी ने कहा कि शेष नांग काल नांग के फन पर जो चरण का निशान है बड़ा आलीशान है जो आज भी है और कल हे ये। किसी ने कहा विष्णु के सीने पर जो विष्णु जी के सीने पर प्रभु लता का निशान है आज भी है और कल भी रहेगा। जब सब लोगों ने लिख डाला आज भी कल भी रहेगा, मैं लालचंद जी बाद में सोचे, मैंने सोचा मैं क्या लिखूं, गीत तो यही लिखूंगा कि आज भी या कल भी, बस अंतर इतना कि उन्होंने लिखा रहेगा, अब मैं कर रहा हूं रहेगी। बस गीत को सुनिएगा। नारी तो हर एक घर सुन, नारी से ही चलता हर नर का परिवार है, सृष्टि आधार है जो आज भी है और कल भी रहेगी। आज भी है और कल भी रहेगी, आज भी है और कल भी रहेगी। कलाकार दावा मंच पे किया करते हैं मैं कभी नहीं करता, लेकिन आज दावा करता हूँ कि इस गीत में कोई हंस नहीं सकता। आज भी कल भी लोगों ने हमसे कहा दीक्षित जी ये बताओ कि नारी इतने ज्यादा खुशामद करने वाले आप क्यों बने गए, क्या करती है नारी? मैंने कहा बेटा जब तुम पेट के अंदर थे तब तो नहीं देख पाए क्या करती है नारी, लेकिन जब बाहर निकले तो देख सकते हो। क्या क्या स्वयं स्वयं गीले में सोती है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो चाहे बरसात हो, स्वयं गीले में सोती है, सुत को सूखे में सुलाती है। क्या बात है? अगर यही गृहिणी बन के भोजनालय में पहुंच जाए तो खिला देती सारे घर को। अगर एक आदमी के लिए दो रोटी कंपनी तो दोबारा आटा गूंथा जाएगा, अगर खुद के लिए एक भी नहीं बची तो खिला देती सारे घर को, स्वयं भूखे ही सो जाती, स्वयं भूखे ही सो जाती है, स्वयं भूखे ही सो जाती है। ये भैया लोग बैठे किसी भैया से कहते कि यहां से उठकर भैया यहां बैठो, चाहे जिस गांव के हो सोचे कि जगह छोड़े कि नहीं, जानते कि जगह हमारी नहीं है, सुबह छोड़नी पड़ेगी, लेकिन फिर भी सोचते हैं। लेकिन इन इन अमूक भी मूक बेटियों ने कभी सोचा? अरे एक दिन के लिए नहीं, क्या बात है, जगह छोड़ने का नहीं, अपने जीवन का निर्णय भी, क्या बात है, अपने जीवन का निर्णय भी स्वयं ये ना कर पाती है। पिता माँ जहाँ भेज देते बेचारी वहीं चली जाती है, बेचारी वहीं चली जाती है, बेचारी वहीं चली जाती है। केवल देखती जाती है कि मेरा घर तो आज से नहीं है, कोई शिकायत नहीं। क्या बात, पिता माँ जहाँ भेज देते बिचारी वही। ये निवेदन कर रहा हूं मैं अपनी भारतीय संस्कृत की बेटियों की कर रहा हूं, उस संस्कृत की नहीं कर रहा हूं। उस संस्कृत में क्या क्या होता मैं इस स्थान पे नहीं कहना चाह रहा। एक हमारे मित्र हैं वो अभी कीर्तन गाते हैं, मैं बहुत दूर के हैं, मिले परिचय कराया, बोले दादा ये आपकी बहू है, ठीक है। उसने पैर छुए का खुश रहो बेटा, सदा सुहागिन रहो। संयोग 4 साल बाद मिले,
तो फिर बहू साथ में थी, मैंने गौर से देखा, बोले दादा क्या देख रहे हो? हमका बहू का चेहरा बहुत बदल गया। बोले दादा ये वो वाली नहीं है। फिर बोले ये दूसरी वाली है। तो चलिए, कपड़े की तरह बदलना क्या ये संस्कार है? पिता माँ जहां जय हो, जय जय। चाहता तो नहीं था कि इस गीत के बीच में कुछ बोला जाए, लेकिन भैया सुनील तिवारी जी नौगांव से आए हैं, इनके स्नेह का मैं इतना कायल हूं, इनकी नजर में मेरा क्या मूल्य है कभी आंका नहीं जा सकता, और मेरे हृदय में इनके लिए क्या स्नेह है, क्या प्यार है कि ये मैं आपको बता नहीं सकता। इसलिए अंतर हृदय से गुप्त रूप से मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूं। पिता माँ जहां भेज देती बिचारी वहीं चली जाती है, तो नारी का नर के ऊपर, नारी का नर के ऊपर कितना उपकार है, सृष्टि आधार है जो आज भी है और कल भी रहेगी, आज भी है और कल भी रहेगी, आज भी है और कल भी रहेगी। देखिए परिवर्तन देखिएगा जरा, है कैसा सजाती है जो जीवन को, क्या बात है, सजाती है जो जीवन को उसी से नजर फिरा लेते हैं। कैसे कैसे, गर्भ में कन्या होती तो, गर्भ में कन्या होती तो उसे माँ बाप मिटा देते हैं। क्या बात, बच्चे कोई कष्ट होता माँ की गोद में जाता है, बच्चा बच्ची हो या बच्ची, गोद में माँ की गोद में पहुंच करके शेर को भी ललकार सकती है बच्ची, बच्चा आ मैं तुझको देखूं, क्योंकि जानते हैं कि इससे ज्यादा सुरक्षित बच्ची के लिए कोई जगह नहीं है। अगर आज उसी गोद में जन्म के पहले मिट रही है तो रक्षा करने के लिए कौन आएगा? अफसोस है, मैंने डॉक्टरों से कहा, बहुत से डॉक्टरों से कहा कि अगर ऐसे लोग आए कि हमें अपने गर्भ की सफाई करानी है, उसकी एक अंगुली काट के पूछना कि कितना आनंद आ रहा है, पता चल जाएगा। कैसे गुजरती क्या होगी उस पे, तब एक अंगुली काटने में इतना दर्द है, तो गुजरती क्या होगी उस पे जिस पे ये पाप किया जाता है, जन्म से पहले ही उसको गर्भ में काट दिया जाता है, गर्भ में काट दिया जाता है, गर्भ में काट दिया जाता है। अरे मूर्ख है नहीं जानते, जिस घर में एक बेटी ना हो नारी ना हो वो घर जाकर के देखिएगा किसी भूत खाने से कम नहीं लगेगा। अगर घर की शोभा है तो तब है जब घर में एक बेटी हो, एक बहू हो, एक बहन हो, एक बीवी हो, माँ हो। चार दिन के लिए हमारे घर से छोड़ के चले जाते, हमको लगता है कैसा घर है। नारी तो हर एक घर का सुंदर श्रृंगार है, बसंती बहार है जो आज भी है और कल भी रहे, आज भी है और कल भी रहे, आज भी है और कल भी रहे। कोई कोई
करने वाला है। कितना? इतना। एक तो बच्चियां जन्म नहीं ले पा रही बेचारी, इसलिए बच्चों बच्चियों की कमी हो गई, बच्चों की संख्या ज्यादा बढ़ गई। लेकिन अगर किसी घर में जन्म लिया बेटी ने, पाल पोस करके तैयार कर भी दिया, एक दिन एक समस्या और आती है। कौन सी? क्या बात? वो जिस दिन दुल्हन बनती है, क्या बात है? वो जिस दिन दुल्हन बनती है तो जिंदगी नया मोड़ लेती है। जिंदगी नया मोड़ लेती है। और मोड़ है क्या? क्या? जिंदगी नया मोड़ लेती है, पराए को अपना कहकर, पराए को अपना कहकर सगे अपनों को छोड़ देती है। सगे अपनों को छोड़ देती है। सगे अपनों को छोड़ देती है। पराए को अपना कहकर, क्या बात है? पराए को अपना कहकर सगे अपनों को छोड़ देती है। ये त्याग है? नहीं। क्या है? क्या? उसके इस महात्याग का भी, उसके इस महात्याग का भी लोग इस तरह सिला देते, लोग इस तरह सिला देते। कैसे? अगर थोड़ा दहेज कम हो उसे जिंदा ही जला दे, उसे जिंदा ही जला देते, उसे जिंदा ही जला देते हैं। तो बेबस बिचारी करती प्रभु से पुकार है, कितनी लाचार है, घर का श्रृंगार है जो आज भी है और कल भी रहे। आज भी है और कल भी रहे। आज भी है और कल भी रहे। ये एक निवेदन अंतिम कर रहा हूं, इसके बाद घोषणाएं बाद में करता रहूंगा। हमारे जिन्होंने कहा था इन बेटियों हिंदू दल बिजावर हिंदू युवा क्रांति दल की ओर से जो संदेश आया था, मैं उनसे निवेदन कर रहा हूं कि अपने गीत में एक निवेदन कर रहा हूं मैं आप सभी लोगों से। क्या? 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 घर में लोग रामायण देखते हैं टेलीविजन में, धारावाहिक में कहीं महारानी लक्ष्मीबाई देखते हैं तो कहीं सती अनुसुईया फिल्म देखते हैं, सब बेकार है। कब? कब? अगर भावनाएं नहीं सुधरी तो। गुरुदेव मेरे साथ एक अध्यापक हैं, संयोग से वो मिश्रा जी हैं जी, वो मुझसे सीनियर थे, उनको प्राचार्य का पद मिल गया। मैं एक दिन उनके घर गया तो मैंने पूछा कि साहब हैं घर में? तो भाभी कहने लगी हाँ 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 दीक्षित जी अंदर हैं, आइए। मैं गया तो मैंने देखा टेलीविजन देखा, मैं कहा हम तो सब क्या देख रहे हैं? अरे बोले दीक्षित जी आइए, हम तो लक्ष्मीबाई नाटक देख रहे थे। बोले हम फिल्म मिले और तमाम जब हम तो यही देखा करते हैं। हमको मिश्रा जी आपको मैं प्रणाम करता हूँ, आप बड़े हैं मुझसे और बस आप जैसे लोग हो जाते हिंदुस्तान सुधर जाए। संयोग कि डेढ़ महीने बाद में गया तो दरवाजा बंद था, अंदर से रोने की आवाज आ रही थी। हमका कैसी फिल्म देख रहे हैं, इसमें बहुत रोना गाना हो रहा है। जब मुझे बहुत चिल्लाया कि दरवाजे नहीं खुले, पड़ोसियों से पूछा क्या हो गया? बोले श्री हमारे आदरणीय प्रधानाचार्य जी अपने घर की लक्ष्मीबाई पे डंडा चला रहे हैं। घर की लक्ष्मीबाई पे डंडा चला रहे हैं। जय हो। कोई रानी लक्ष्मीबाई, सती अनुसुईया, सती सावित्री,
क्या आसमान से बरसती हैं? क्या बात है, इसी धरती पर हम उनको वैसा परिवेश देकर बनाना पड़ता है। ये इन बेटियों में कोई लक्ष्मी बाई है तो कोई सीता है, कोई सावित्री है तो कोई अनसुईया है। यही सीता सावित्री है और यही झांसी वाली रानी है, जहां में लाल चंद्र इसकी, जहां में लाल चंद्र इसकी सदा से अमर कहानी है, सदा से अमर कहानी है, सदा से अमर कहानी है। ये एक निवेदन कर रहा हूं। क्या बात है, एक निवेदन ये कर रहा हूं। क्या क्या? अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि बहुत बड़ा भूकंप आया पड़ोसी देशों में, बहुत धनजन का नुकसान हुआ। हालांकि कुछ झटके तो हमारे भारत देश में भी अनुभव किए गए। जानते हो, मैंने लोगों ने कहा ये क्या है, विज्ञान अपना बताने लगा। लोगों ने हमसे पूछा कि दीक्षित जी ये क्या है, तो मैंने उनसे कहा कि टेलर है। अभी फिल्म टेलर हम कहा ये फिल्म का टेलर है, बोले फिल्म का फिल्म बाकी है। बाकी है अभी। कैसा टेलर हमका, सुनिए। नारी आदरणीय जग में, क्या बात है, यत्र नारियस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता। नारी आदरणीय जग में अगर सम्मान नहीं पाएगी, सुन ले भैया लोग, अगर अगर सम्मान नहीं पाएगी तो नारी दुर्दशा देख करके, नारी दुर्दशा देख करके ये धरती उलट पलट जाएगी, ये धरती उलट पलट जाएगी, ये धरती उलट पलट जाएगी। ये कोई मूछ मुसंदर कुछ नहीं कर पाएंगे। क्यों? नारी की शक्ति से, नारी की शक्ति से नर पा सके न पार है, नारी की शक्ति से नर पा सके न पार है, ये शक्ति अवतार है जो आज भी है और कल आज भी है। चार पंक्तियों से मैं इनकी थाना पूर्ति करता हूं, पश्चात अपनी तरफ से कुछ भेंट करता हूं। जी, बेटियों की रक्षा के लिए एक संदेश। बिजावर हिंदू युवा क्रांति दल का सभी बताया एक निवेदन, कन्या भोजन के बाद चाहे उन्हें 5-10 रुपया मत देना, उनके सर पर हाथ रखकर एक वचन देना कि बच्चियों हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, उस दिन से देश में बेटी की रक्षा हो जाएगी। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद है इस विचारधारणा के लिए। आइएगा, मैं अब इसी विचारधारणा का एक गीत भेंट कर रहा हूं आप। ये उठा दिया तो केवल 2 पंक्ति इसमें भेंट भेंट करता पहले कि हाथ पे आई क्या बात है, दरिया जो आई लंबी
बात है। चारी दिनों का खेल रब्बा बड़ी लंबी जुदाई, ये लंबी जुदाई, ये सीता जी का रोना बंद नहीं हो रहा है, इधर माँ घबरा गई। तब जब विवाह हो गया, सीता भी घर में है, लंका को जीत कर आ गए। देखी के माता मन में घबराई नहीं रुकती जमुआई, ढूंढ रही है कोई दे दे दवाई, नहीं रुके जमुहाई, रुके जमुहाई, रुके जमुहाई, रुके जमुहाई। चले दो पंक्ति और जोड़ के सुना दे, दुख कैसे गई। सारे लोग ढूंढ रहे हैं दवा, प्रयास कर रहे हैं। लोगों ने कहा ये बताओ कि आखिर बजरंग बली बाबा कहां गए। तो बजरंग को देखा जाकर चुटकी बजाते और जैसे जैसे चुटकी बजती राम जमहाते तो लेकर के आए घर में कपराई, कहां से रघुराई, एक ही पल में देर लगी ना हो गई बंद जमुआई। आइएगा, एक गीत भेंट कर रहा हूं। कहते अभी भावनात्मक नारी नर की खान है, वास्तव में नारी प्रधान देश है और नारियों का सम्मान हमारी सनातन संस्कृति रही है। जहां नारी का सम्मान हुआ है वो देश फुला फूला है, संस्कृत से भरा रहा है। और अभी विषय चल रहे हैं तो मैं मंडल से दोनों से निवेदन करूंगा कि विषय को जरूर पकड़ के चलिएगा, बिल्कुल लीक से नहीं हटना है, अपनी लीक पे रहिएगा, क्योंकि लड़ाई विषय की है, स्वतंत्रता की नहीं है। स्वतंत्र अपने पड़ी है लेकिन विषय से मत हटिएगा। दोनों ही मंडलों से मेरा निवेदन। और कहना चाहता हूं कि मैं मेहंदी रोली कंगन का सिंगार नहीं होता, मेहंदी रोली कंगन का सिंगार नहीं होता, रक्षाबंधन भैया दूज का त्योहार नहीं होता, वो घर रह जाते सूने आंगन बनके,
जिसमें बेटी का अवतार नहीं होता, जिसमें बेटी का अवतार नहीं होता। कन्यादान से बड़ा दान नहीं है, सात जन्म तरते हैं अगर एक कन्यादान आप कर ले, सात जन्म तक आप तर जाते हैं। इसलिए बेटी का सम्मान करिएगा, वो बिना बेटी के कोई रह नहीं सकता है। इसलिए हो गई है पीर पर्वत सी, अब तो पिघलनी चाहिए। बड़ा कष्ट होता है पूरे देश में जब दरिंदे कोई करते हैं, इसलिए कहना चाहता हूं हो गई है पीर पर्वत सी, अब तो पिघलनी चाहिए, अब तो हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। बहुत हो गया है छलावा बेटियों के साथ, इन बेटियों की तकदीर और तस्वीर बदलनी चाहिए, तस्वीर बदलनी चाहिए। और इसी क्रम में आ रहे हैं हमारे पूर्व भूतपूर्व नौजवान, आदरणीय दादा माता दीन जी, आप इनको सुनिएगा। बहुत ही सुंदर तरीके से आपके बीच अपना जवाब और अपना गीत लेकर आ रहे हैं। ताली जरूर कम हो गई है, उत्साह थोड़ा कम हो गया है, आप थोड़ी गर्म होइए, सर्दी का टाइम है, ताली जोर से बजाइएगा, ताली के बहुत फायदे हैं। रक्तचाप नहीं बढ़ेगा, उसे हार्ट अटैक नहीं आ सकता है ताली अगर बजाते रहोगे। ताली वालों को देखा होगा, कभी हार्ट अटैक से नहीं मरे होंगे वो, जो ताली बजाते ना घर घर, वो कभी हार्ट अटैक से नहीं मरते। तो ताली बजाते रहिएगा, रक्तचाप आपका बढ़ता रहेगा। आ रहे हैं दादा, तालियों से स्वागत करें। हेलो हेलो, थोड़ा आवाज बढ़ा दीजिए, कोरस वाले। हेलो 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 हेलो, थोड़ा कोरस के माइकों का